खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर पलटवार सामने आया है। मोदी एट 20 किताब को पढ़ने की नसीहत पर सीएम ने कहा है कि अभी हमने देखा है सबकी जेब से कैसे पैसा निकाला जा रहा है, अब तो खाने पीने के सामान में भी जीएसटी लग गया है। मेरा तो सुझाव है जीएसटी भाषण में लगा देना चाहिए, उससे अच्छी कमाई होगी। अभी तो हम लोगों ने देखा है कि कैसे सबके जेब में अदृश्य वाला जो पाइपलाइन लगा है जिससे जेब से पैसा निकल रहा है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस खाद जीएसटी वन नेशन वन टैक्स जो कहते थे, तो उसमें अब तो दूध दही मठास सब लग गया। मेरा सुझाव है कि जीएसटी ना भाषण पे लगा देना चाहिए, तो उससे अच्छी कमाई होगी। चलिए हम रुक करेंगे, स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आदित्य जी, जाहिर है कि अमित शाह तो आ ही रहे हैं और जो किताब है मोदी एट 20 के पढ़ने को लेकर जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी, भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया है और केंद्र सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए मोदी एट 20 जिस किताब को लेकर लगातार राजनीतिक गर्म है, छत्तीसगढ़ की राजनीति लगातार गर्म है। कल मोहन मरकाम का एक बयान आया था कि इस किताब की तुलना गीता से कर रही भारतीय जनता पार्टी, जो सीधे तौर पर हिंदू धर्म का अपमान है। आज मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि जो कहते थे कि पेट्रोल निकलेगा, जो कहते थे पैसा निकलेगा, जो उनके भाषण पर सीधा जीएसटी लगा देना चाहिए। और कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सलाह दी थी मुख्यमंत्री को कि आपको जो है वो मोदी एट द रेट 20 जो है वो किताब पढ़नी चाहिए, इसलिए जो है वो बहुत साफ है। उसी पर रिएक्शन यहाँ पर आया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि जो भाषण देते हैं लगातार, जो इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं, उनके भाषण पे जीएसटी यहाँ पर लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश भी करूँगा, मेरे साथ अजय चंद्राकर जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उनसे भी मैं कोशिश करूँगा एक बार बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा रिएक्शन, आप लोग को सलाह दे रहे हैं कि जीएसटी लगा देना चाहिए मोदी जी के बारे में। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मरकाम जी उर्फ गुरु जी को इतनी देश हित की बातें समझ में नहीं आएंगी। गुलाम नबी आजाद ने जिन कारणों से इस्तीफा दिया है, पूरे कांग्रेस को उसमें बैठ के चिंतन करनी चाहिए। देश हित के लिए भाजपा काफी है और मोदी की बातों को पूरी दुनिया समझ रही, दो लोगों के नहीं समझने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, समझने के लिए अकल की जरूरत पड़ती। गीता से तुलना की है आप लोगों ने ऐसा मोहन मरकाम? मोहन मरकाम जी तो पहले मक्का से एथेनॉल बनाना सीख जाएं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे उनसे। ये थे हमारे साथ अजय चंद्राकर, वरिष्ठ विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी। इनका साफ तौर पर कहना है कि दूसरे को सलाह देने से पहले अपनी पार्टी की स्थिति जो है वो संभालने, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा किन कारणों से दिया पहले उस पर बातचीत कांग्रेस कर ले, फिर मोदी जी के पास, मोदी जी के ऊपर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की सलाह की कोई फिलहाल जरूरत नहीं, तो मोदी एट द रेट 20 कल जो कार्यक्रम है अमित शाह का, उसको लेकर राजनीति छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। चलिए बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।